दोस्तों आज है 2 नवंबर 2023। दोस्तों 5 क्रिकेट की सबसे बड़ी न्यूज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली न्यूज ये है कि न्यूजीलैंड को जो कि साउथ अफ्रीका ने हराया है, और दोस्तों इसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका का रहा, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 357 रनों का टारगेट खड़ा किया था। और दोस्तों उसमें जो कि रस्सी वेंडर डुसेन जो कि 133 रन बनाए थे, और दोस्तों क्विंटन डिकॉक जिन्होंने चौथा शतक जड़ा है अपना वर्ल्ड कप का। और दोस्तों इनके अलावा बात करें तो डेविड मिलर जिन्होंने अर्धशतक की पारी खेली, और दोस्तों वो भी शानदार थी। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बात करें तो न्यूजीलैंड के गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों इसमें टीम साउथ ही जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए वो लिए थे 2। इसके अलावा दोस्तों न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की बात करें तो न्यूजीलैंड जो कि 167 रन पर ही ऑल आउट हो गया। कुल 35.3 ओवर में ही वह ऑल आउट हो गया था, जिसमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे वो थे ग्लेन फिलिप जिन्होंने 60 रन बनाए। और दोस्तों इनके अलावा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी थे वो थे विल यंग जिन्होंने 33 रन बनाए। और दोस्तों साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की बात करें तो इसमें केशव महाराज जिन्होंने 4 विकेट लिए, इनके अलावा मार्को यानसन जिन्होंने 3 विकेट हासिल किए। ये था पूरा मैच का लेखा जोखा, जो कि यह मैच खेला गया था वो खेला गया था पुणे में। इसके बाद दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी न्यूज ये है कि टीम इंडिया की और श्रीलंका की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है उसके बारे में। दोस्तों आज बता दें कि टीम इंडिया का और श्रीलंका का मैच है जो कि वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाने वाला है। और दोस्तों इनमें अगर टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 काफी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन दोस्तों बात करें तो कई ऐसे बदलाव जो कि देखने को मिल सकते हैं, जिसमें ओपनिंग के लिए आ सकते हैं वो है रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इसके बाद वन डाउन जो कि विराट कोहली, इसके बाद नंबर 4 का जो है वो प्रॉब्लम है। इसमें दोस्तों श्रेयस अय्यर जो कि काफी फॉर्म में नहीं लग रहे हैं, इसलिए ईशान किशन को यहाँ पर मौका मिल सकता है, लेकिन नंबर 4 पर जो कि केएल राहुल को खिलाया जा सकता है, और नंबर 5 पर ईशान किशन जो कि नंबर 5 पर यहाँ पर खेल सकते हैं, और नंबर 6 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 7 पर जो कि रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पर मोहम्मद शमी, नंबर 9 पर जसप्रीत बुमराह, नंबर 10 पर कुलदीप यादव और नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज आ सकते हैं। दोस्तों ये प्लेइंग 11 टीम इंडिया की हो सकती है। इनके अलावा दोस्तों श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की प्लेइंग 11 में कुछ इस तरह है: पथुम निशंका, दिमुथ करुणारत्ने, कुशल मेंडिस, सदिरा समरविक्रमा, चरित असलंका, धनंजय डिसिल्वा, एंजिलो मैथ्यूस, महेश तीक्षणा, कसुन रजिथा, दुष्मंत चमीरा, दिलशान मधुशंका। दोस्तों ये श्रीलंका की प्लेइंग 11 हो सकती है। दोस्तों ये दोनों प्लेइंग 11 जो कि आज के मैच में उतर सकती है। इनके अलावा बात करें तीसरी न्यूज ये है कि जो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है डेविड विली, दोस्तों उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है, और दोस्तों बीच वर्ल्ड कप में ही उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है। दोस्तों इसके बाद चौथी न्यूज ये है कि बीसीसीआई के जो सचिव है जय शाह, दोस्तों उन्होंने ये बताया कि एमएस धोनी को जब कप्तान बनाना था तो सजेस्ट किया था वो किया था सचिन तेंदुलकर ने। उन्होंने ये कहा था कि एमएस धोनी को कप्तान बनाना चाहिए, और दोस्तों उनकी वजह से ही एमएस धोनी कप्तान बने थे। और आज देखिए एमएस धोनी जो कि वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 वर्ल्ड कप, तीनों ही फॉर्मेट, तीनों ही आईसीसी ट्रॉफी वो जीत चुके हैं। और दोस्तों इनके अलावा बात करें तो पांचवी न्यूज की, तो पांचवी न्यूज ये है कि एक फैन ने जो कि बीसीसीआई, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन और बुक माई शो के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, वो भी टिकट के मामले में। भारत और साउथ अफ्रीका का मैच था, उसकी जो ओरिजिनल टिकट थी उसकी कीमत 2500 थी, और जो टिकट बेचने वाला था वो 2500 से ज्यादा 11000 रुपए में वह टिकट बेचता था। और दोस्तों उसकी वजह से उस लड़की को वो टिकट नहीं मिल पाई थी, और उसकी वजह से उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। तो दोस्तों ये बुक माई शो कैब यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल और दोस्तों जो बीसीसीआई है उनके खिलाफ यह एफआईआर दर्ज कराई है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता रहे हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।